हाय मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हमेशा ऊपर वाला करे, हमेशा ही स्वस्थ रहे। आज ना मेरे बच्चों ने कहा मम्मा कुछ स्पेशल बनाना, तो हम ना इस दाल का नाम मेरे बच्चे नहीं जानते, तो मम्मा ने कहा मम्मा जो छोटे छोटे राजमा की तरह होते हैं ना, आज आप वो बनाइए। तो मेरे मायके में तो उसको बाकड़े की दाल बोलते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज यही बनाया जाए। इसके लिए मैंने एक कप बाकड़े की दाल, यानी एक पाव। अब जब दाल बन रही है तो चावल भी कंपलसरी। मैंने जिस दाल कप से दाल ली है ना, उसी कप से मैंने डेढ़ कप लिए हैं चावल। इसको मैं अच्छे से धो के भिगो के रख देती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए चार बड़े टमाटर। टमाटर मुझे दाल सब्जी में स्वाद लगते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। चाहिए बड़े प्याज, एक बड़ा लहसुन, एक से दो इंच अदरक। जो प्याज अदरक लहसुन है, हम इसको एक फाइन पेस्ट बनाएंगे। उससे पहले हम अपनी दाल को धो के कुकर में चढ़ाते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। पर उससे पहले गाइस, अगर जो आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो शेयर करिए। गाइस मैं फिर से रिप्लाई करती हूँ कि हो सकता है मेरी वीडियो क्लियर ना आती हो, क्योंकि मैं यूट्यूब पर नई हूँ, मुझे इतना क्लियर नहीं आता, मेरे पे कोई कैमरा नहीं, मैं फ़ोन ही चलाती हूँ और फ़ोन से अपनी सारी वीडियो बनाती हूँ। अपना प्यार प्लीज़ दीजिए गाइस। देखिए दाल को मैंने अच्छे से धो के कुकर में चढ़ा दिया। हम इसमें डालेंगे एक लीटर के आसपास पानी, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं ही बना रही हूँ तो मुझे भी घबराहट हो रही है, लेकिन ट्राई करने से ही पता चलता है। देखिए मैंने यहाँ पे प्याज और अदरक और लहसुन को धो के अच्छे से काट दी। गाइस मैं लहसुन को धो के ना छिलके सहित पीसती हूँ। अदरक भी मैंने कट करके रख, चावलों को भी मैंने अच्छे से धो के रख दी। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो के लिए। हम डालेंगे हाफ टी स्पून हल्दी, टी स्पून नमक। अब हम ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगा दिया, फ्लेम को ऑन कर दिया, दो सीटी आने पे हम चेक करेंगे। अब चलिए कुकर को खोल के चेक करते हैं। इतने हमारे कुकर का प्रेशर निकलता है, चलिए हम अपना तड़का रेडी करते हैं। मैंने पैन चढ़ा दिया है और तेल भी डाल दिया, तेल भी मेरा गर्म हो गया। अब हम डालते हैं मसाले। 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून राई, दोनों चीज़ हमारी अच्छे से चटक गई। हम डालेंगे प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे हम अच्छे से पकने देंगे जब तक कि ब्राउन ना हो जाए। देखिए दाल हमारी अच्छे से कुक हो गई है, प्याज अच्छे से कुक हो गई। हम डालेंगे टमाटर, डालेंगे 1 टीस्पून नमक, इससे अच्छे से टमाटर गल जाएंगे। मैंने कुकर से बाउल में दाल को ट्रांसफ़र कर लिया, क्योंकि उसी कुकर पर हम चढ़ाते हैं चावल, जितने हमारे दाल का मसाला रेडी होता है। हमने कुकर में चावल डाले, अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून घी। चावलों के लिए 1.5 गिलास पानी लिए। हम डालेंगे थोड़ा सा नींबू, तो इससे चावल हमारे सफ़ेद और खिलके बनते हैं। कुकर को हमने चढ़ा दिया, फ्लेम को ऑन कर दिया, एक सीटी आने पर गैस को ऑफ कर देंगे। मसाला भी हमारा ऑलमोस्ट कुक हो गया, इसमें डालते हैं मसाले। हम नमक हमने पहले ही डाल दिया, हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। थोड़ा सा कलर के लिए देंगे, थोड़ी सी हींग फ्लेवर और खुशबू के लिए, और ये डाइजेशन में भी हमें बहुत हेल्प करती है। उसे 3 सेकंड के लिए अपने मसालों को हम ढक के रख देंगे, ताकि इसमें कलर और फ्लेवर दोनों आ जाए। ये देखिए हमारे मसाले भी अच्छे से कुक हो रहे हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे दाल अपनी। ये देखिए हमने दाल अपनी डाल दी, अच्छे से इसको चला के मिक्स करेंगे। दाल हमारी बिल्कुल सूख गई थी, तो 1 गिलास गरम पानी करके मैंने इसमें डाला था। अब हम इसमें डालेंगे, मैंने ना कस्तूरी मेथी, धनिया, सौंफ, जीरे का पाउडर है, अच्छे से हम इसको भी मिला लेंगे। अब हम लास्ट में डालेंगे 1/2 टीस्पून गर्म मसाला। ये देखिए गर्म मसाला, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। दाल हमारी देखिए रेडी है, दाल सब्जी क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, रेडी। अब हम इसमें लास्ट में डालेंगे 1 टीस्पून के आसपास देसी घी, इसमें डालेंगे फ्रेश क्रीम। दाल हमारी रेडी है, अभी चावलों के साथ हम सर्व करते हैं। ये देखिए चावल भी हमारे कितने परफेक्ट खिले खिले बन गए। अब चलिए हम इसको प्लेटिंग करते हैं। ये देखिए हमारी प्लेटिंग भी हो गई है और हमने अनियन के साथ इसको सर्व किया है। प्लीज़ बताइएगा कैसी बनी, और एक बार आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी बनी है। थैंक यू सो मच।